नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो नया टॉपिक कह सकते हैं, जो सिलेबस में नया ऐड हुआ है, फैमिली स्टडी, ये इससे संबंधित मैं आपको बताऊंगी। और इसमें से कई पॉइंट है जो आज मैं डिस्कस कर दूंगी और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपका है पहला, फैमिली स्टडी में फैमिली थेरेपी क्या होता है। तो फैमिली थेरेपी जो है एक प्रकार का साइकोथेरेपी होता है, नहीं कह सकते मनोवैज्ञानिक थेरेपी होता है, जो इन्वॉल्व होता है, यानी शामिल कहता है ऑल मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, यानी जो सभी जितनी प्रकार की फैमिली होती हैं, सारी फैमिली में थेरेपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें चाहे वो स्टेप फैमिली हो और चाहे वो कुछ कह सकते न्यूक्लियर फैमिली हो या इन सम केसेस मेंबर्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली हो। देखिए, स्टेप फैमिली किसे कहते हैं पहले ये भी जान लीजिए। स्टेप फैमिली जो होता है उसी को ब्लेंडेड फैमिली भी कह सकते हैं और बोनस फैमिली भी कह सकते हैं। जैसे कोई पत्नी पति मतलब कि एक तरीके से जेनेटिकल रूप में वो रिलेटेड ना हो, जैसे माँ बच्चे और उनके बच्चा वास्तविक जो होता है वो बच्चा, बल्कि वास्तविक बच्चा न होकर के माँ मतलब कि पिता की डेथ हो जाती है और उसका एक बेटा रहता है और माँ कहीं फिर दूसरी जगह उसकी शादी होती है तो वो बेटे को लेकर के जाती है, बेटी को लेकर के जाती है, तो उसकी जो फैमिली कही जाएगी तो वो एक स्टेप फैमिली कही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा है वो वास्तविक रूप से उस फैमिली से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं स्टेप फैमिली, यानी जो जेनेटिकल रूप से जुड़े नहीं हो, और इसी को ब्लेंडेड फैमिली कहते हैं और बोनस फैमिली कहते हैं। तो ये इसलिए मैंने बता दें क्योंकि हो सकता है पूछ ले आपसे कि ब्लेंडेड फैमिली क्या होती है, बोनस फैमिली क्या है, स्टेप फैमिली क्या है। अब इसमें देखिए, एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, इसमें ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होती हैं, उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। यानी जितनी भी फैमिली होती है उसमें जो मानव वैज्ञानिक तरीके से जो थेरेपी की जाती है उसी को फैमिली थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस थेरेपी में क्या किया जाता है कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी जो संचार की जो क्रियाएं होती हैं उसको सुधार किया जाता है उसमें। अब संचार का मतलब जो आपस में इंट्रैक्शन होता है, जो कम्युनिकेट होता है उसको सुधार होता है। सॉल्व फैमिली प्रॉब्लम, यानी जो फैमिली की जो संबंधी समस्याएं होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है फैमिली थेरेपी के द्वारा। अंडरस्टैंड एंड हैंडल स्पेशल फैमिली सिचुएशन, यानी जो कभी कभी ऐसी कंडीशन फैमिली की आती है जिसको जो है दूर करने में मतलब कि दूर किया जाता है, जैसे आपसी समझदारी से ही वो दूर होती है, तो ये सब सारी चीज़ें फैमिली थेरेपी के अंदर की जाती हैं। क्रिएट बेटर फंक्शनिंग, यानी जिससे जो कार्य हो अच्छी तरीके से हो सके, तो ये होता है फैमिली थेरेपी। नेक्स्ट इसी में आपका आता है फैमिली क्राइसिस क्या होती है। फैमिली क्राइसिस क्या होती है, क्राइसिस का मतलब है कोई संकट परिवार में आ जाती है। तो अ फैमिली क्राइसिस अकर्स व्हेन अ फैमिली हैज टू चेंज, यानी ऐसी क्राइसिस, ऐसे संकट आ जाता है जब हमारी फैमिली जो परिवर्तित हो जाती है। इट इज अ टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आ जाती है, चाहे वो बेटर हो जाए या वर्स या खराब हो जाए, दोनों सिचुएशन होती है बेटर होने की और वर्स होने की। तो वो सिचुएशन क्या हो सकती है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाए, स्पाउस अभी यानी पति पत्नी में झगड़ा या पति पत्नी में कोई परेशानी हो जाए, पेरेंट्स के बीच मतभेद हो जाए, ये सब कंडीशन ऐसी होती है जो फैमिली क्राइसिस उत्पन्न करती हैं, जिससे जो फैमिली की जो होती है मतलब जो फैमिली की एक रोटेशन होती है वो क्या होती है, टर्न हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इन एडिक्यूट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी जब अपर्याप्त तरीके से संबंध सही नहीं होंगे तब जो है फैमिली क्राइसिस होती हैं। स्ट्रेस, आपसी तनाव हो या इकोनॉमिक सिचुएशन सही ना हो, इन कंडीशन में जो है फैमिली क्राइसिस उत्पन्न होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है फैमिली डिसऑर्गनाइजेशन क्या होती है। फैमिली डिसऑर्गनाइजेशन क्या होता है, इट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ अ फैमिली सिस्टम, यानी जब मतलब कि हमारी जो फैमिली सिस्टम होती है उसमें ब्रेकडाउन या टूट जाती हैं। द फॉलोइंग अफेक्ट ऑफ फैमिली डिसऑर्गनाइजेशन, यानी यह किस कारण से जो है हमारी जो फैमिली होती है वो टूट जाती है, तो वो उसी को फैमिली डिसऑर्गनाइजेशन कहते हैं। और ये जो है स्ट्रेस की वजह से, एनजाइटी या अदर मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस से जो है हो सकता है ये फैमिली डिसऑर्गनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका सिंगल फैमिली क्या होती है। देखिए, सिंगल फैमिली का मतलब ये नहीं होता है कि न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली का मतलब होता है कि जब सिंगल पेरेंट्स फैमिली इंक्लूड डाइवोर्स, यानी कभी कभी क्या होता है कि
कि हस्बैंड वाइफ में कोई कारणवश या डाइवोर्स हो जाता है या दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं, मतलब कि उनके पास है तो पिता के साथ बच्चा रहता है तो माता के साथ बच्चा रहता है, तो उसी को ही सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। तो इसमें या तो पिता के साथ बच्चा होगा या माता के साथ बच्चा होगा, तो इसी को बोलते हैं सिंगल फैमिली। तो सिंगल पेरेंट फैमिली इंक्लूड डाइवोर्स या डाइवोर्स की इससे वजह से होता है, ब्रेकअप हो जाता है या अबैंडनमेंट, डेथ ऑफ द अदर पेरेंट यानी दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो चाइल्ड बर्थ बाई अ सिंगल वोमेन, ये सिंगल वोमेन के साथ के द्वारा मतलब कि रहता हुआ बच्चा जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, अथवा सिंगल पर्संस ऑप्शंस एडॉप्शन यानी ये कोई कि दोनों में से किसी एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है, इसी को ही सिंगल फैमिली कह सकते हैं कि जब बच्चा माँ बाप में से किसी एक के साथ रहता है, एक उसका मतलब पेरेंट्स होता है, इसी कारण बस उसी को ही सिंगल फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इट इज़ ए फैमिली वायलेंस इज अ वायलेंट अब्यूजिव और इंटीमिडेटिंग बिहेवियर इन अ रिलेशनशिप, यानी क्या होता है फैमिली में कुछ जिसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं, ये किसी कारण से जो है परिवार में लोगों का व्यवहार जो संबंध होते हैं वो सही नहीं होते, गाली गलौज होना या कई तरीके से हिंसा होता है, इसी को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। जो है कई तरीके से ये आपके वायलेंस से परिवार में उत्पन्न होते हैं, इसमें आपका है फिजिकल, इमोशन, इकोनॉमिकल और सोशल। तो फिजिकल में शारीरिक रूप से वायलेंस करना, इमोशन मतलब मानसिक रूप से किसी चीज़ के लिए गाली देना, गलौज देना या मानसिक रूप से टॉर्चर करना, इकोनॉमिक वजह से और सोशल वजह से जो है जो वायलेंस होता है, ये हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैरिटल डिसहार्मनी क्या होता है। मैरिटल डिसहार्मनी का होता है क्या कि मैरिटल डिसहार्मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिटल डिसहार्मनी इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और इंट्रैक्शन एंड इज एन इंडिकेशन दैट कपल्स केयर इनफ अबाउट द। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जो मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं, कह सकते हैं जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें आपस में बहुत ही अच्छा संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है और एक दूसरे की केयर करते हैं, इंट्रैक्शन होता है, लेकिन बाय द वे कभी कभी कैसा हो जाता है वो रिलेशनशिप जो है या इंट्रैक्शन जो होता है वो डिसहार्मनी में बदल जाता है। हार्मनी का मतलब एक लय में हो, जब ये डिसहार्मनी में हो जाता है तो देखने को ये हो जाता है कि स्ट्रेन वहाँ पर जो मैरिज में स्ट्रेन तनाव उत्पन्न हो जाता है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, इंट्रैक्शन बिटवीन अ कपल हु आर द लिविंग टूगेदर यानी जो दोनों लोग साथ में रहते हैं उन कपल के बीच में जब स्ट्रेन होता है मैरिज में, तो उसी को ही मैरिटल डिसहार्मनी कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका क्वेश्चन इसमें से बहुत ही आता है कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आप ही तनाव समझते हैं कि तनाव होना, उत्पन्न होना, तो वो तनाव किस किस के बीच में उत्पन्न हो सकता है, मैन खुद के बीच में हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, व्यक्ति का नेचर से हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, व्यक्ति का जो है सोसाइटी से नेचर मतलब कि तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के जो उपाय होते हैं उसी को ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे दूर किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही आता है। इसमें अवॉइडिंग यानी जो कॉन्फ्लिक्ट जिस वजह से हुआ है उसको दूर किया जाए, डिफीटिंग या दोनों में से कोई हार मान लें, या कंप्रोमाइजिंग या कंप्रोमाइज़ किया जाता है एक दूसरे में, समझौता करके, एकोमोडेटिंग मतलब एडजस्ट करके, कोलाबोरेटिंग मतलब सहयोग से एक दूसरे के समन्वय से संपन्न होता है। तो ये शब्द याद कर लीजिएगा, अवॉइडिंग, डिफीटिंग, कंप्रोमाइजिंग, एकोमोडेटिंग और कोलाबोरेटिंग के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाता है। अब आता है कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के क्या स्टेप होते हैं, ये हमारा लास्ट है। अब देखिए इसमें क्या है, क्लेरिफाई व्हाट इज डिसएग्रीमेंट, यानी क्लेरिफाई करते हैं कि जो किस वजह से असहमति हुई है उसको पहले क्लेरिफाई किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इस्टेब्लिश कॉमन गोल फॉर बोथ पार्टीज, अब यहाँ पर दोनों पार्टियों में जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है उसको स्थापित किया, उसके क्या लक्ष्य है, क्या हम करना चाहते हैं, दोनों पार्टी मिल करके जो है कॉमन गोल्स बनाते हैं। डिस्कस वेज द मेट द कॉमन गोल्स, और उसी जो कॉमन गोल बनाया गया है उस पर डिस्कस करते हैं दोनों पार्टी के लोग। फिर डिटरमाइन द बैरीज ऑफ द कॉमन गोल, फिर उसके बाद जो उसकी मतलब कि जो गोल बनाया गया दोनों पार्टी के द्वारा उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं उसको निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद एग्री ऑन द बेस्ट, अब दोनों की यानी दोनों पार्टी की सहमति से जो बेस्ट होता है वो हाँ उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का, उसको हम सॉल्व करने के लिए तरीके खोजते हैं।
फिर लास्ट में एक्नॉलेज द एग्री अपॉन द सॉल्यूशन, फिर दोनों लोग आपस में सहमति बना करके एग्री हो जाते हैं और वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट हो जाता है, यानी दूर हो जाता है। तो ये हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट स्टेप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो इसमें से पहले डिसएग्रीमेंट को क्लेरिफाई करते हैं, कॉमन गोल को, मतलब कि दोनों एक कॉमन गोल बनाते हैं, उस कॉमन गोल के डिस्कस करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं, फिर इसमें सहमति बनती है, लास्ट में उसको एग्री हो जाते हैं और उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए या सॉल्यूशन को पाने के लिए। तो ये हमारा एक जो है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो नया टॉपिक है ये आपके लिए लेकर के आएंगे। ऐसे भी और भी टॉपिक बचे वो भी मैं आपको जल्द से क्लियर कर दूँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। ये अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।